नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे अपने चैनल डीजी स्टडी क्लास में। दोस्तों, एसएससी सीपीयू एसआई की बहुत बड़ी एग्जाम की न्यूज़ आ रही है कि सीपीयू जो प्री एग्जाम आपका हुआ था, आंसर की आ गई है। तो इंतजार आपका खत्म हुआ, आंसर की अपलोड कर दी एसएससी ने। एसएससी सीपीयू जो पेपर हुआ था 12 मार्च से 28 मार्च तक ही पेपर हुआ था पूरा, इसका आपकी जो आंसर की है वो आ चुकी है एसएससी की वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक एक्टिवेट हो गया है, सीपीओ के आंसर की आ चुकी है 24 अप्रैल 27 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि आपका 24 अप्रैल 27 अप्रैल तक की केवल डेट है, इसके बीच में आप लोग अपनी अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं, उसके बाद आपका एसएससी कोई मौका नहीं देगा। जल्दी करिए, कहीं मौका छूट ना जाए। जी हाँ दोस्तों, सबसे फास्ट करिए, अदरवाइज क्या है, बिकॉज आपके पास 3 दिन ही है आपके पास अपने अपने आंसर की चेक करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन बटन दबा दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि हमारी कोई भी नए वीडियो से फ्रेश अपडेट सबसे पहले आप तक सबसे फास्ट पहुँचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। ये चलिए देखते हैं एसएससी की नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, हम आ गए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, जो कि sscnet.in। आप लोग यहाँ से जाके खोलेंगे तो यहाँ पे आ गया है टेंटेटिव आंसर की, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको इजीली। तो दोस्तों, ये एसएससी की नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सीएपीएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ 2018 अपलोडिंग द आंसर की। देखिए, साफ साफ इसमें मेंशन हो चुका है अपलोडिंग टेंटेटिव आंसर की आप लोग की आ चुकी है। द कमीशन हैज़ कंडक्टेड द सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था वो कब से हुआ था, 12 मार्च से लेकर 16 मार्च तक हुआ था, 4 दिनों बीच में। कंप्यूटर बेस्ड मोड था इसमें। द टेंटेटिव आंसर की एंड सेट एग्जामिनेशन हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट कमीशन। कौन कौन सी sscnet.in, याद हमने नोटिस डाउनलोड किया है वहीं से आप लोग लॉगिन करके देख सकते हैं। द कैंडिडेट्स में लॉग इन यूजिंग देयर यूज़र आईडी, यानी कि जो रोल नंबर है वो, पासवर्ड एज पर द एडमिशन सर्टिफिकेट। एडमिशन सर्टिफिकेट में जो पासवर्ड होगा आप लोग उसे डाल के अपना खोल सकते हैं, तो ईजिली आपका खुल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे कैसे खोलेगा। कब से कब तक आपका 24 मार्च से लेकर 27 मार्च तक रहेगा, ऑनलाइन मेथड रहे केवल, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई चीज़ चैलेंज करेंगे आप किसी क्वेश्चन, तो उसमें 100 रुपये पेमेंट है आपकी चैलेंज करने की। द कैंडिडेट में टेक अ प्रिंट आउट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रेस्पॉन्स शीट एज सेम विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। जो जो आप लोग उस पर क्या कहते हैं रेस्पॉन्स करेंगे अपना कोई चैलेंज क्वेश्चन का, तो उसका आप लोग एक पेमेंट स्लिप ले लेंगे, साथ ही साथ आप लोग उसका एक प्रिंट आउट ले लेंगे ताकि आगे दिखाने के लिए आपका प्रूफ रहे, बिकॉज इसके बाद ये मिट जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग अपना अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को अपना अपना कैंडिडेट रेस्पॉन्स देखना है तो आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोग को लिस्ट फॉर कैंडिडेट रेस्पॉन्स यहाँ पे क्लिक करना है बस। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज खुल के आएगा, उस पेज को दिखा देता हूँ आपके पास कैसा पेज खुल के आएगा। आपको वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा पेज खुल के आएगा जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना डेट ऑफ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या यूज़र आईडी, जो आपके एडमिट कार्ड में आपको रोल नंबर लिखा होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। साथ ही साथ आपका वहाँ पासवर्ड नीचे लिखा होगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ, सपोज करिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 1995, तो आप लोग यहाँ पे वो डाल देंगे। इतना करने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आप लोग लॉगिन करेंगे, ऐसे आप सामने पेज खुल के आएगा, वेबसाइट आपका, पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पे आपकी। तो जब आपके पास आपकी शीट खुल जाएगी तो यहाँ लिख रहा है टैप टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट ऑफ एसएससी सीपीओ, प्लीज़ क्लिक हेयर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुल के आएगा, वहाँ से आप लोगों का पूरा पूरा खुल के आ जाएगा। तो देखिए, जो भी आपका ऑप्शन होगा, आपने जो टिक किया होगा, वो कैंडिडेट रेस्पॉन्स सब कुछ आएगा यहाँ पे। आप लोग अपनी शीट डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं आपका रिजल्ट जो भी आया हो, मोस्ट प्रॉब्ली आपका सिलेक्शन हो गया हो। मैं आप लोग यही दुआ करना चाहता हूँ आप लोग का सिलेक्शन हुआ हो, तो आप लोग चेक कर सकते हैं हिसाब से। आप लोग स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखा दिया है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक ले आप लोग देख सकते हैं पूरा, आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हैं पूरा, क्वेश्चन पेपर इसमें लगा हुआ है। अगर आपने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया होगा तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, काफ़ी लंबी शीट है, मैं पूरी शीट नहीं दिखा सकता, मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है पहले ही। आपको कुछ नहीं करना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड, लॉगिन आईडी में क्या डालना है, आपका जो रोल नंबर है वो आपको लॉगिन आईडी में डालना है।
तो आपका रोल नंबर जो दिया आपको वो डालना है, लॉगिन आईडी में पासवर्ड डालना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, वहाँ से लॉगिन करके अपनी शीट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की अगर वीडियो पसंद है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक ले